पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चंदौसी में व्यापारी की हत्या कर 2 लाख रुपए लूटने वाले बदायूं के संतोष पर मुरादाबाद जेल में कातिलाना हमला हुआ है। 2 बंदियों ने चम्मच का चाकू बनाकर संतोष पर सोते हुए हमला किया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। घटना मुरादाबाद जिले के कारागार के बैरक नंबर 4 में रात को हुई। बैरक में एक बंदी पर हमले का पता चलते ही अफसरों की नींद उड़ गई। रात में ही बैरक खुलवाकर बंदी को जिला अस्पताल भेजा। हमला करने वाले बंदियों को अलग बैरकों में शिफ्ट किया गया। हमले के पीछे बैरक में सोने की जगह को लेकर विवाद बताया जा रहा है। साथ ही बंदियों के हमले में घायल हुए संतोष को चंदौसी पुलिस ने जेल भेजा था। 3 जुलाई 2020 को उसने चंदौसी में व्यापारी रामोतार की हत्या करके 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में चंदौसी पुलिस ने बदायूं निवासी संतोष को उसके साथियों जितेंद्र, नीरज, भूप सिंह और महेंद्र के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तभी से संतोष मुरादाबाद जेल में बंद है। नाम है आपका? संतोष। संतोष, क्या घटना हुई, कैसे? सर पिछली एक बार और भी घटना हो चुकी है, उसके बाद अधिकारियों को बताया, अधिकारियों ने किस केस में अंदर हो? 300 तो क्या घटना हुई है? उसके बाद दूसरा बंदा मेरे साथ बार कर दिया। अब क्या पहले भी बार कर चुका है? एक बार पहले ही बार कर चुका है। इस केस में लूट में क्या था, मान किस कब से बंद हो तुम? मैं 300 और 300 क्या पहले भी शिकायत की है किसी अधिकारी से? अधिकारियों से शिकायत की, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।